नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर के गांधी मैदान के निकट नई बस्ती में है और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, भाद्र महीने में एक बार यहां श्वेतांग ये गणपति की पूजा होती है और ये पिछले 30 वर्षों से रंगनाथ उपाध्याय जी के ये आवास पर ये पूजा हो रही है। बड़ा बृहद पूजा होता है। सुबह से ही कई पंडितों के, प्रकांड विद्वानों के साथ ये पूजा शुरू होती है और देर रात तक चलती है। जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पूजन होने के बाद ऊपर हवन हो रहा है और हवन होने के साथ ही ये पूजा संपन्न माना जाएगा और उसके बाद से प्रसाद पूरे जगत के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे परिवार के कल्याण के लिए रंगनाथ उपाध्याय जी द्वारा ये 30वें वर्ष पूजा की जा रही है। अपने आप में सिवान के लिए, बिहार के लिए, प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धूपम दीपम दर्शयामि धूप दीपांते दीराचमनीयम जलम समर्पयामि पूर्वं नैवेद्यं संस्थाप्याम्। आसे गन्तर्जगं श्रेष्ठो ओम गजवक्त्राय नमः। ओम महोदराय नमः। जावरणवारिताय नमः। ओम पंचभक्षप्रियाय नमः। ओम पंचमाणाय नमः। ओम अष्टमूर्ति भृते नमः। ओम अष्टचक्र स्फुरणमूर्तये नमः। ओम अष्टद्रव्य हविप्रियाय नमः। ओम नो नागासना ध्यानसिने नमः। ओम नवानिध्य नुशासित्रे नमः। ओम एकविंशत्यंगुली पल्लवाय नमः। ओम चतुर्विंशति तत्वात्मने नमः। ओम पंचविंश सांख्य पुरुषाय नमः। ओम इस अवसर पर कई
अपने नगर के कई गणमान्य लोग यहाँ आते हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे शारदयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रचार प्रजापति त्रिपाठी सर हैं। आप नगर के बड़े नामचीन हस्ती हैं। आप यहाँ पिछले कई वर्षों से आते हैं, जैसा कि मैं देखता हूँ गणेश जी का वर्ष में एक बार यहाँ पूजन होना, क्या इसकी महत्ता है? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस प्रकार के समारोह में जा कर के और इसके महत्व को बढ़ाते हैं, लोगों के बीच में यह प्रकाशित करते हैं आप लोग। मैं पिछले कई वर्षों से इस पूजन में उपस्थित होता हूँ और हमारे रंगनाथ उपाध्याय जी बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ इस गणेश चतुर्थी की जो पूजा होती है उसे बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं और अपने इष्ट मित्रों को, शुभचिंतकों को इसमें आमंत्रित करते हैं, प्रसाद वितरण होता है। और सबसे बड़ी बात है कि गणेश जी के 1000 नामों का उच्चारण किया जाता है और 1000 नाम के साथ दुर्वा, धान कालावा और लड्डू का चढ़ावा गणेश भगवान को किया जाता है। तो इसलिए जहाँ तक मुझे कहना होगा यह कि जैसा कि लोग कहते हैं कि ईश्वर से ज़्यादा अपने माता पिता को महत्व देना चाहिए, और मैं जहाँ तक इतिहास पढ़ा हूँ या पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान, ये गणेश भगवान जो हैं वो निश्चित रूप से जब परिक्रमा करने की बात आई, विश्व की परिक्रमा करने की बात आई, तो वे उनका चूँकि सारथी जो था वो तो चूहा था और उसकी बहुत मंद गति होती थी, तो उनके लिए पूरे विश्व का भ्रमण करना बड़ा कठिन था। लेकिन अपने बुद्धि से उन्होंने अपने माता पिता का भ्रमण किया और वह विश्व विजेता हुए और उनको यह, तो मैं समझता हूँ कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता है और माता पिता का हम अगर प्रतिष्ठा दें, उनको इज्जत दें, उनका मान सम्मान करें तो ईश्वर भी खुश रहते हैं। धन्यवाद। ताकि आप देख रहे हैं वर्ष में एक बार यहाँ पर श्वेतांग गणपति की पूजा होती है और पिछले 30 वर्षों से यह पूजा बड़े बृहद रूप से संपन्न हो रही है। हमारे साथ इस पूजन को संपन्न करने वाले बड़े श्रद्धा के साथ 30 वर्षों से यह पूजन हो रही है। रंगनाथ उपाध्याय जी, पिछले 30 वर्षों से यह पूजन बड़े श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। इस वर्ष ये मेरा 29वां वर्ष था। ये इतना बृहद पूजा कैसे आप करते? ये गणेश जी की कृपा और आप लोगों का बल और संकल्प शक्ति और ब्राह्मणों का आशीर्वाद, इसी समय कर पाता हूँ। 29 साल पहले मेरे मन में आया कि अपने लिए तो सब करते हैं लेकिन समाज के लिए, लोगों के लिए, ब्राह्मणों के लिए जो रात दिन खड़ते हैं और लोगों का प्रायश्चित लेकर आते हैं सुदूर गांव, देहात, शहर, सब जगह जाकर, और वो पूजन पाठ करते हैं और पूजन पाठ करके लोगों का प्रायश्चित लाते हैं, उसके एवज में उन्हें कुछ मिलता नहीं और वे कष्ट में पड़े रहते हैं आए दिन। तो इन बातों को सोचकर मेरे मन में एक भाव जगा कि मैं तो सक्षम हूँ, भगवान ने तो मुझे सामर्थ्य दिया है, तो मैं इस कार्य को शुरू किया। महागणेश इतने बड़े मंगल करने वाले कोई नहीं है, प्रथम पूज्य हैं। आप जानते हैं कि चंद्रमा का आकार कितना बड़ा है और चंद्रमा को अपने ललाट के कोने में जो धारण करता है उसका आकार कैसा होगा, यानी कि समग्र सृष्टि उनके अंदर ही है। हम जब अथर्व शीर्ष को देखते हैं और पाठ करते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्मस्त्वम, चंद्रमास्त्वम, सूर्यस्त्वम, त्वम भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वम चत्वारि वाक् पदानि, ऐसे जो शब्द उसमें आए हुए हैं तो इंकित करता है कि वो परब्रह्म है। गणानाम
अर्थात देवानाम ईशह जह सह गणेश, जो गणों का ईशों का अधिपति है, गणों का जो मालिक है वह गणेश है। और उस मंगलकरण के हम जब आराधन को उद्यत हुए तो हमको धीरे धीरे बल मिलता गया। और इसमें आपको बता दें कि इसमें ब्राह्मण बुलाए नहीं जाते जप को करने के लिए, पूजन करने के लिए। और मैं आप लोगों के तरफ से एक अभिकर्ता के रूप में, आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं पूजन करता हूँ। मैं ठीक बात है कि मैं अपने परिवार के कल्याण की कल्पना के साथ इसमें उतरा, लेकिन मेरा भाव है कि हमारे जितने ब्राह्मण हमारे यहाँ हैं उनका कल्याण हो, और हमारे यहाँ जो आए हुए हैं वो जो जप किए ब्राह्मण लोग दिन भर, गणेश बीज का मंत्र और भी प्रायोगिक मंत्र हैं, अथर्वशीर्ष का पाठ किए, गजानन का पाठ हुआ और सहस्रार्चन हुआ, इन सारे पुण्यों के जितने हमारे समुपस्थित लोग हैं उसके पुण्य के भागी हैं। हमारे महागणेश उन पर कृपा करें, उनका मंगल करें, उनका कल्याण करें। चूंकि एक मैं जाते जाते एक बात आपसे कह देना चाहता हूं कि सर्वे पूर्ण फलम इच्छन्ति, सारे लोग पुण्य के फल की इच्छा करते हैं, नेच्छन्ति पुण्य मानवा, कोई मानव पुण्य नहीं करता, पुण्य करने की, पुण्य के फल की इच्छा करता है कि मुझे पुण्य का फल मिले, लेकिन पुण्य नहीं करता। सर्वे पुण्य फलम इच्छन्ति नेच्छन्ति पुण्य मानवा और न पाप फलम इच्छन्ति, कोई पाप के फल की इच्छा नहीं करता लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, और दिमाग लगा के पाप करता है। तो वैसे मैं यह इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, नारद मीडिया के माध्यम से मैं सबको संदेश दूंगा कि आप धर्म में तत्पर रहें, महागणेश के की कृपा आप पर बरसती रहे और आप एक धार्मिक व्यक्ति होकर सनातन संस्कृति का विकास करें और भगवान में अपना मन रमाए रहें, सबका कल्याण हो। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस पूजा कराने जो आप देख रहे हैं लगभग 12 से 14 घंटे बड़ा कठोर रूप से यहाँ पूजा होती है। इसमें यहाँ कई पंडित आचार्य लोग हैं, इसमें हमारे परमहंस आचार्य जी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक आम दर्शक ये जानना चाहेगा कि ये जो गणेश जी की पूजा है इतना बृहद रूप से पूजा हो रही है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ 1000 दुर्वा 1000 लड्डू का भोग लगाया जा रहा है, यहाँ गणेश जी की भी जो मूर्ति है जो यहाँ रखा गया है वो भी कुछ भी नकार का है, ये पूजा अन्य पूजा से अलग कैसे है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता का आभारी हूँ कि मुझे गणेश जी पर कुछ कहने का आपने अवसर प्रदान किया। सभी को मालूम है कि गणेश जी की प्रथम पूजा होती है, उसी संदर्भ में ये हमारे यहाँ श्वेतार गणपति हैं जो कि बहुत पुराने हैं और लगभग 28-29 सालों से इनकी पूजा अर्चना प्रत्येक संकष्टी गणेश चतुर्थी जो भाद्रपद के चतुर्थी को पड़ती है उसकी पूजा होती है। इनके पूजा करने से सारी विघ्न बाधाओं का शमन होता है। अथर्वशीर्ष के फलश्रुति में आया है कि भगवान गणेश का शाम को ध्यान करने से दिन भर की हुई गलतियों का शमन होता है, प्रातः में ध्यान करने से रात भर की हुई गलतियों का शमन होता है। अगर इनको अपने मन में रखकर और सारे कार्यों को किया जाए तो सारे कार्य निर्विघ्न सुसंपन्न होते हैं। इसी संदेश को जन जन में पहुंचाने के लिए इस दिन इस आयोजन का प्रक्रिया को चलाया गया है ताकि सारे लोगों में यह संदेश जाए कि भगवान गणेश की प्रथम पूजा होती है, उनसे सारे विघ्न बाधाओं का शमन होता है। नारद मीडिया का यह सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ पिछले 5-6 वर्षों से प्रत्येक वर्ष
इस दिन हम लोग उपस्थित हो जाते हैं और इस पूजन को हम लोग देखते हैं। इससे पहले इस तरह की बृहद पूजा में मैं शामिल नहीं हुआ था, लेकिन मुझे वर्ष में एक बार अवश्य इस दिन की प्रतीक्षा होती है कि इस तरह की पूजा मैं देखूं। अब बड़े प्रकांड विद्वानों के साथ, बड़े शुद्ध उच्चारण के साथ ये गणेश जी की पूजा होती है, और सबसे बढ़ के जैसा कि रंगनाथ उपाध्याय जी ने बताया कि ये पूजन जगत के कल्याण के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, पूरे संसार के कल्याण के लिए इस तरह की पूजा की जाती है, और यही अपने भारतवर्ष की संस्कृति है, सभ्यता है, और यही वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र है। और जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, और इसी आराध्य के साथ ही हम अपने सारे काम को आगे बढ़ाते हैं। मैं श्री रंगनाथ उपाध्याय जी के आवाज़ से राजेश पांडे, श्री नारद मीडिया के लिए।